कि जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में दो लोगों का कत्ल कर दिया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडित के स्टाफ का कत्ल किया गया। अस्पताल में मोहम्मद इब्राहिम की मौत हो गई और इससे कबल दहशतगर्दों ने श्रीनगर में ही पुलिस एहलकार को गोली मार दी। इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। पिछले 24 घंटों में दो कत्ल कर दिए गए। श्रीनगर में दहशतगर्दों ने इन कत्ल को अंजाम दिया। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। मोहम्मद इब्राहिम, जो एक कश्मीरी पंडित की दुकान पर सेल्समैन का काम करते थे, उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया दहशतगर्दों ने। तश्वीशनाक हालत में गोली लगने के बाद मोहम्मद इब्राहिम को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई वहां। ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। और दूसरा कत्ल एक पुलिस कांस्टेबल का किया दहशतगर्दों ने, गोली मारकर पुलिस एहलकार को भी हलाक कर दिया। शहीद पुलिस एहलकार के दो मासूम छोटे बच्चे हैं और टारगेट किलिंग को मुसलसल अंजाम दिया जा रहा है इन दिनों वादी में। ये बड़ा अपडेट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 24 घंटे में दो कत्ल को अंजाम दे दिया दहशतगर्दों ने। मोहम्मद इब्राहिम नाम के एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया। ये कश्मीरी पंडित की दुकान पर सेल्समैन का काम किया करता थे और एक पुलिस कांस्टेबल का भी दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया। तो पिछले 24 घंटों में टारगेट किलिंग की दूसरी वारदात थी और इस तरह से दो लोगों का कत्ल कर दिया दहशतगर्दों ने। नाम मोहम्मद इब्राहिम, पता श्रीनगर जम्मू कश्मीर, काम कश्मीरी पंडित की दुकान पर नौकरी, सजा सरेआम कत्ल। श्रीनगर की सर्द और पुरम शाम का एक बार फिर गोलियों की आवाज से सामना हुआ। वजह वही पुरानी थी, दहशतगर्दों ने एक बेकसूर को निशाना बनाया। SHMS अस्पताल में दहशतगर्दों की गोली से जख्मी हुए मोहम्मद इब्राहिम नाम के एक शख्स की मौत हो गई, लेकिन इस मौत के पीछे एक खास हिकमत अमली काम कर रही है। मोहम्मद इब्राहिम का गुनाह सिर्फ इतना सा था कि वो एक कश्मीरी पंडित डॉक्टर संदीप मावा की दुकान पर बतौर सेल्समैन काम करते थे। पिछले 24 घंटों में दहशतगर्दों की जानिब से ये दूसरा टारगेट अटैक है। इससे पहले इतवार को दहशतगर्दों ने श्रीनगर के बटमालू एरिया में एक पुलिस एहलकार तौसीफ अहमद को गोली मार दी। शहीद पुलिस एहलकार तौसीफ अहमद की अहलिया साइमा खुद को संभाल नहीं पा रही। तौसीफ अहमद के दो मासूम बच्चे हैं, इन्हें इस बात की भी समझ नहीं है कि इनके वालिद अब कभी घर लौटकर नहीं आएंगे। मैंने 7:14 फोन किया, मैंने बोला अब क्यों नहीं आया अंदर, बोला दुकानदार के साथ बात करो आ रहा हूँ, तो इनके लिए चिप्स ले, मैंने बोला मेरे लिए भी लाना। मैंने फोन काटा तो एक सेकंड भी नहीं हुआ, इसकी जीजे ने मुझे फोन किया, इस तौसीफ को गोली मारी है, दो गोली यहाँ पे मारी थी उसको, क्यों मारा, किस लिए, इंसाफ चाहिए। तौसीफ अहमद पहले SPO थे, इनके कामकाज को देखते हुए बाद में इन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल बनाया गया और यही वजह है कि वो दहशतगर्दों के निशाने पर आ गए। जम्मू कश्मीर के LG के दफ्तर से ट्वीट कर इस कत्ल की मजम्मत की गई है। भरोसा दिलाया गया है कि दहशतगर्दों और उन्हें शह देने वालों को माकूल जवाब मिलेगा। मतलब साफ है, दोनों ही वारदातों में सिस्टम के साथ खड़े लोगों को शिकार बनाया गया है। तौसीफ अहमद जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल थे, तो 43 साल के इब्राहिम एक कश्मीरी पंडित की दुकान पर सेल्समैन का काम करते थे। कश्मीर का बड़ा इलाका सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से हाई अलर्ट पर है, इसकी वजह भी टारगेट किलिंग के बढ़ते मामलात हैं। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना वारदातों को अंजाम देने वाले कौन है, पूरी दुनिया इस सवाल के जवाब से वाकिफ है। यही वजह है कि अमन की राह पर आगे बढ़ रहे कश्मीर में आए दिन कत्ल जैसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अब दहशतगर्दों ने अमन चैन को बहाल होने से रोकने के लिए नया हथियार चुना है। ये हथियार है टारगेट किलिंग, यानी जो कश्मीर में अमन के साथ है उसका कत्ल कर दो। ब्यूरो रिपोर्ट, ZBDR।